देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी आस्था को गहरा आघात तब पहुंचा। जब उन्होंने तप्त और गर्म कुंडों के हालात देखे, आपदा से पहले इन कुंडों की अपनी ही अलग चमक हुआ करती थी, लेकिन आपदा के बाद इनकी चमक फीकी पड़ गई है। 15 जून 2016 को आपदा को पूरे 4 साल का वक्त हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि इतने लंबे अरसे के बाद भी आखिर क्यों सरकार और प्रशासन को इन कुंडों की याद नहीं आई। श्रद्धालु और स्थानीय जनता कई बार इन कुंडों के पुनर्निर्माण की मांग कर चुकी है, लेकिन फिर भी इनकी सुध लेने की जहमत तक नहीं उठाई गई। 8 साल हो चुके हैं, फिर भी केदारनाथ का जो उदक कुंड, जो कि आज से पांडवों ने जब मंदिर बनाया था, तब से जो ये कहा जाता है, जो उदक कुंड की जो मान्यता है, शिव की नाभि से जो निकला हुआ जल है, और ये जल वो जल है जो लोग यहाँ से घर को शुद्धिकरण के लिए ले जाते थे, पर आज तक जो ये उदक कुंड है उसका आज तक जब आपदा के बाद उसका शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। केदारनाथ धाम के मुख्य पड़ाव गौरी कुंड स्थित गर्म और तप्त कुंड की मान्यता है कि जब ग्रीष्म काल में डोली अपने धाम के लिए रवाना होती है, तो गौरी कुंड में एक रात्रि विश्राम करने के बाद अगले दिन डोली इन कुंडों में स्नान करने के बाद आगे बढ़ती है। ये जगह भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती की पवित्र जगह मानी जाती है। आपदा के बाद से केदार धाम में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और पिछली कांग्रेस सरकार ने कई काम किए, जिसका नतीजा ये है कि आज धाम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। लेकिन एक तरफ दुख की बात ये भी है कि नई सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में विपक्ष की माने तो नई सरकार पुरानी व्यवस्था पर ही यात्रा का संचालन कर रही है। उनकी सुविधाओं के लिए इस बार ऐसा कुछ ख्याल नहीं रखा गया, निर्माण के नाम पे कोई जो है खास वहाँ पे उपलब्धियाँ नहीं रही हैं। जो हमारे कराए जो सुविधाएं जोड़ रखी थी, आज उन्हीं पे जाके यात्री टिका हुआ है। उन्हीं सुविधाओं के आधार पे जो है यात्रा आगे बढ़ रही है, इनका कहीं कोई इस तरह का पॉजिटिव योगदान नहीं है। वहीं इस मामले में नव नियुक्त जिलाधिकारी मंगेश खिल्डियाल को कोई जानकारी नहीं है। डीएम का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी मीडिया से मिली है, साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही वो इन कुंडों का निर्माण करवाएंगे। इसके संबंध में देखिए, आपके द्वारा संज्ञान में ये प्रकरण लाया गया है, मैं इस पे संज्ञान लूंगा और विचार करेंगे कि पूर्व में किस तरह से था, कहां पर था और किस तरह इसका निर्माण किया जा सकता है, इस पर भी हम लोग कार्य करेंगे। आपदा के 4 साल बाद भी केदारनाथ में यात्रियों की बढ़ती संख्या आपदा की यादों को पीछे छोड़ने का काम कर रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन की लापरवाही से यादें आज भी ताजा हो रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि गौरी कुंड से लेकर केदार धाम तक कुंडों का पुनर्निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। के न्यूज के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।